प्राइस देखूँ इसकी तो 65,900। हाँ लिटरली दैट इज़ वेरी चीप फॉर इंडिया। अगर हमें पता होता तो हम यहीं से खरीद लेते। ड्रोन नदीम भाई ये पड़ेगा 1,20,580 रुपए का आईफोन 14 प्रो मैक्स पड़ेगा आपको। तो भाई इंडिया में मिनीसो जो है काफ़ी जगह बंद हो चुका है, तो यहाँ पे है एक खुला हुआ, मतलब यहाँ पे तो हो गए ऑब्वियस है, तो हम यहाँ के मिनीसो में जा रहे हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी यहाँ की मिनीसो की यहाँ पर, क्योंकि मार्वल का स्टफ़ काफ़ी सारा है भाई, और मिनीसो का स्टफ़ तो आप लोगों को पता ही कितना अच्छा होता है। तो मुझे यहाँ की प्राइस रेंज वगैरह देखनी थी मिनीसो की, तो मैंने इसलिए नदीम भाई को बोला रुकने के लिए। और यहाँ पर मुझे बेल्ट भी मिल सकती है, क्योंकि मुझे बेल्ट लेनी है, क्योंकि मैं इसको बांध के घूम रहा हूँ बेल्ट की जगह पर। बेल्ट भूल गया मैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे नदीम भाई इज़ लाइक दिस। कर ले भाई जल्दी कर ले पिद्दी भाई। तो इसलिए मैंने बेल्ट को ध्यान नहीं दिया, बेल्ट नहीं लिए, तो मैं यहाँ इसलिए बेल्ट के लिए घुसाऊँ मेन। तो एक दिन पहले बैग देके चला गया था इसको, जो भी रखना रख लिया, और एंड टाइम पे भी अनम ये तो दे दे मेरा, अनम ये तो रह गया मेरा, अनम ये तो मैं भाई तीन दिन से करके आ रहा था तीन दिन से यार। तो अगर देखो इंडिया से बाहर जाते थोड़ा इंसान होपलेस भी रहता है ना, चीज़ें भूल जाता, तो मैं थोड़ा सा भूल गया था चीज़ों को। चार महीने पहले टिकट बुक कर रखी, होपलेस हो गए बता। तो यहाँ पे बेल्ट नहीं दिखी, मैं इनसे पूछता हूँ वेयर इज द बेल्ट। नदीम भाई कॉम देखना था, कॉम देख लो, है ना। प्राइस देखना आगे पीछे, प्राइस देखूँ इसकी तो 65,900। ये है हमारा 230 रुपये का, और इसके पीछे मिनी माउस मिक्की माउस बना हुआ है, और ये नॉर्मल है, ये सस्ता है, ये ऑलमोस्ट 150 रुपये का होगा, इसका पता करें 150-200 रुपये का। नहीं नहीं यहाँ पर डिस्काउंट नहीं होता, ये ले सकते हो, ये लेना है, ये नहीं लेना भाई, ये वाला ज़्यादा अच्छा रहता हमारे वालों के साथ। मिनी माउस लिखा हुआ है, फिर बच्चे यूज़ करेंगे इसे। अच्छा हाँ बताओ फिर, ये बेंतान से लोगे देख लेंगे। चलो डिस्काउंट नहीं यहाँ, डिस्काउंट नहीं है कोई भाई, ऐसे देख के निकलना पड़ेगा आपको। चलो फिर चलते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं। मिनीसो का मुझे बस एक प्राइस रेंज चेक करना था, तो इसलिए मैं आया था। प्रोडक्ट्स दैट इज़ द डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, ये है 10,000 वियतनामी डोंग, जितने में पानी की बोतल आती है यहाँ पे उतने में ये सामान है, यहाँ इतने में दो पानी की बोतल आती है, इतने में ये सामान है 20,000 वियतनामी डोंग। एंड ये रबर बैंड्स हैं, बट ऐसे चमकीले वाले रबर बैंड्स मैं नहीं लगा था। और ये डेटा केबल है 20,000 डोंग की, अगर इसमें आईफोन की होगी तो, बट ये सिर्फ एंड्रॉयड की है, आईफोन की नहीं है। और ये की चेंज है, इतने बड़े की चेंज से मैं लगाता भी नहीं, ये क्लिप्स हैं बालों में लगाने की, और ये ऑलमोस्ट 50,000 का है, तो 50,000 फॉर द स्लीपर्स, बट नहीं ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। चलते हैं, हमें जाना है पोस्ट ऑफिस, टोक्यो वाले पे चला आओ, टोक्यो पे चलते हैं, भाई कह रहे कि टोक्यो पे एक बार फ़ोन देखेंगे। तो अब यहाँ की एक और शॉप पे जा रहे हैं आईफोन पता करने के लिए, नदीम भाई कह रहे हैं आईफोन तो देख के जाऊँगा, एक और शॉप पे जा रहा है आईफोन के लिए। ये था टोक्यो, और यहाँ पे DJI के प्रोडक्ट्स भी हैं भाई, मज़ा आ गया। और यहाँ DJI का ही सर्विस सेंटर है ऑथोराइज्ड, तो हम अपने ड्रोन की चीज़ें पूछ सकते हैं। हेलो नो आईफोन्स नदीम भाई, so I want to purchase DJI Mavic Mini batteries. Do you have DJI Mavic Mini batteries? Yes, drone. Mini 3. What is the price of one battery? Only a basic one. Wait. Type on this please. Mavic okay. Mini battery, one battery. One battery. हाँ, Mavic okay. Mini one battery. Welcome please. मैं देखना यहाँ पे GoPro भी है क्या? Okay. यहाँ पे wireless mics वगैरह हैं, अगर आप drone वगैरह अगर कोई किसी चीज़ में drone में दिक्कत आ जाए तो यहाँ पे आके ये authorized service center है, आप यहाँ पे अपना वो करवा सकते हो, सर्विस वगैरह करा सकते हो ड्रोन वगैरह। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, GoPro का तो कुछ नहीं दिख रहा, GoPro भी है, GoPro हीरो 8, GoPro ही है ना, हाँ GoPro ही है, GoPro हीरो 8, हीरो 10 एंड हीरो 11, हमारा हीरो 9 है जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आप लोग GoPro में किसी भी इक्विपमेंट में जिससे भी शूट कर रहा हूँ वो भी GoPro 9 है, आपके GoPro में या फिर आपके गिम्बल में, ड्रोन का गिम्बल रखा हुआ है,
गिम्बल में या फिर किसी भी इस प्रोडक्ट में ड्रोन वगैरह में सिंपल मैविक मिनी नहीं है, इनके पास एसी है, उसका 2 है और 3 है, 3 प्रो है या 2 प्रो मिनी 3 पूछो, मिनी 3 हां मिनी 3 का प्राइस पूछो। तो ये है, तो यहाँ आप रिपेयर करा सकते हैं, टोक्यो शॉप करके है, आप गूगल मैप में लिखना आ जाएगा, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट ठीक करवा सकते हैं। Can you please tell the drone's price? This is the drone price? Yes. Wait. So we don't have the extra battery. Nadim bhai, yahan pe 54,000 rupaye 495 ka Mavic Mini 3 hai. Yes. Sasta hai yaar, sahi hai bhai. Sahi mein. Do you have any cheaper drone from this? Oh no. No. Yeah, this is the last. It's, right now, we don't have it. It's only discounted or not? It is discounted or not? Oh no, it's not discounted. This is not discounted. Bhai, yeah. Phir bhi, this is a combo drone or single battery drone? Single battery. This is single battery or combo? Yes. Single battery. Single battery mein bhai 15,000 keh raha hun. 1,500,000 ka drone hai. With batteries. Oh yeah, this the combo and this combo we buy for the we sell inside the box. Okay. You can, तो भाई 54,000 रुपये का है, यहाँ से बहुत सस्ता पड़ जाएगा लिटरली, आप ड्रोन लेते हैं तो। ओके, इनका एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं है, एक्स्ट्रा बैटरी, स्पेयर बैटरी। हीरो 9 के बाद, हीरो 10 के बाद। व्हाट इज द प्राइस ऑफ हीरो 9? हीरो 9, ओके, कैन आई सिट हियर? यस यू कैन। द हीरो 9, या इट्स अ 8.68। भाई हीरो 9 का प्राइस देखूं तो 8690000 भाई 30,000 रुपये, 30,572 रुपये का हीरो 9 है ब्लैक, 64 GB मेमोरी कार्ड के साथ। यस, सिंगल बैटरी। यस, विद सिंगल बैटरी। बहुत सस्ता है नदीम भाई, सस्ता है। एंड एंड ऑल द DJI ड्रोन्स, वेयर इज द DJI ड्रोन्स? यू कैन सी ओवर हियर and put the price. Wait, 9,990,000. Nadeem bhai, 35,000 rupaye ka DJI ka mini SE fly more combo drone hai 35 ka. Yes, aur cheaper than humne, cheaper than India. Yeah, this is cheaper than India, very very cheaper, literally this is cheaper than India. This, oh my god, in India, yeah. You cost this फॉर इंडिया, अगर हमें पता था तो हम यहीं से खरीद लेते ड्रोन नदीम भाई। 35,000 रुपये में कॉम्बो मिल रहा है, हमारे पास भी मैविक मिनी का कॉम्बो है और ये हमारे ड्रोन से ऊपर वाला वर्जन है DJI मिनी SE। तो अब कोई बात नहीं, अब तो खरीद लें, और ये न्यू, सबसे बड़ी बात ये न्यू होता है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एंड ये शॉप है इनकी टोक्यो शॉप करके शॉप है, आप गूगल मैप पे सर्च कर लेना। और लिटरली हमने कुछ नहीं लिया, हमने प्राइस पूछे हैं, पता करें, फिर भी इन्होंने हमें जाते जाते इतना अच्छे से ग्रीट किया और बहुत सर्विस करके भाई ड्रोन लिया है, हम यहीं से ले लेते, दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा भाई, GoPro का भी दुख हो रहा है भाई, देखा जाए तो। हाँ लिटरली हमने, मैं बताऊँ, DJI मैविक मिनी आपको ओपन बॉक्स, देखो इंडिया में DJI नहीं है तो इंडिया में भी बाहर से आते हैं, तो अगर आप DJI का मैविक मिनी इंडिया में लेने जाते हैं तो आपको कम से कम सिंगल बैटरी के साथ 32,000 रुपये कॉस्ट करेगा, और आपको यहाँ पे DJI मिनी SE जो कि इंडिया में कम से कम आपको विद कॉम्बो 3 बैटरीज जो आपको इंडिया में 42,000 तक कॉस्ट करता है, भाई तुम्हें यहाँ 30,000 का पड़ रहा है कॉम्बो 3 बैटरीज न्यू बॉक्स पैक, ना कि ओपन बॉक्स, बॉक्स पैक आपको, हेलो, आपको 30,000 रुपये का पड़ रहा है यार, हमें यार यहीं से ले लेते यार, हमने क्यों ले लिया भाई, बहुत सस्ता है भाई, बहुत DJI के बहुत सस्ते, DJI का बहुत सस्ता भाई, भाई GoPro, हाँ हीरो 9 35,000 रुपये का पड़ रहा है आपको यहाँ से हीरो 9, और अगर आप इंडिया में लेते हैं कम से कम 44 अराउंड आपको GoPro पड़ता है सिंगल बैटरी के साथ, और मेमोरी कार्ड का नहीं पता, देते नहीं देते, यहाँ 64 GB का मेमोरी कार्ड दे रहे हैं, 200 MB/s वाला, और अगर मेरे को पता होता, हेलो, अरे वाह, मुझे एक चीज़ बताएं, हाँ बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ सस्ता मिल जाएगा, क्या लेना है आपको ये बताओ, लैपटॉप लेना है ना, पहले तो एक तो यहीं पे टोक्यो शॉप है, यहाँ पे अगर यहाँ आपको समझना है ना तो इस लाइन से सीधे जाना,
सीधे जाके ना, जैसे हमारा क्रोमा वगैरह नहीं होता वैसे एक शॉप है, उस पर आपको लैपटॉप एयरफोन वगैरह सब मिल जाएगा। उसको देखो ना, ये तो मैं गूगल पे कैसे, हाँ हाँ एक इधर है, एक बॉस फोन वो करता है इधर से, हमने नाम देखा था सोहेल है, भाई का नाम नदीम है, हम इंडिया से हैं। आप? मैं भी इंडिया से। अच्छा आप इंडिया में कहाँ से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। मैं लॉयर हूँ। अच्छा आप लॉयर है, तो मतलब इंदौर में लॉयर है। अच्छा हमारे फ्रेंड ने करी थी होटल बुक, वो हमारा भाई रहता जबलपुर मध्य प्रदेश में, हमने उसे होटल बुक कराया था यहाँ ऊंची में, पर आज हमारी फ्लाइट है तो हम जा रहे हैं दरांग। मैं खुद आज मेरी फ्लाइट है शाम को। कहाँ की? 8 बजे। हमारी 6 बजे आज की है। ये साथ चलते आप अगर होता तो साथ चलते, तो दरांग में मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत मजा आता। आप दरांग में कहाँ रुकेंगे? मैं दरांग में जो सी साइड है ना, बी साइड, उधर रॉयल होटल है। ओके ओके। और एक होटल है, आप कहाँ रुके? हमने अभी एक्चुअली ऐसे ही बुक कर दिया, कोई भी होटल हम वहाँ जाके प्राइस कंपेयर करेंगे। हमने जो ट्रिप प्लान हमारा इन बजट है, हम सोच रहे हैं इन बजट में हमारा ट्रिप अच्छा हो जाएगा। पूछ लिया जाए होटल बुकिंग है नहीं है, उसके लिए हमने होटल बुक कर लिया, वहाँ जाकर के ही कंपेयर करेंगे। हमारा इंडियन करेंसी के हिसाब से मुझे 2400 रुपए का पड़ा है 3 दिन का। बहुत महंगा है, बहुत महंगा इंडियन करेंसी के हिसाब से। 4 से 7 तक एक दिन का नहीं है, 3 दिन का है। तो 7 को आप इंडिया जा रहे हो? नहीं, इंडिया नहीं, हम हनोई जाएंगे। आप इंडिया जा रहे हो? इंडिया जा। अच्छा आप नंबर दीजिए, हम वहाँ मिलते हैं। Yes or no? Yes. But you can please swipe the card. You can yeah. Say I will go for your here. Before I sell you very cheap right can now. Can you? Never we both sell so you for that one. I'm very sure. Are you sure? दे दे भाई, मैं कह रहा हूँ कि कुछ फ्यूचर रेफरेंस सोच के पूछ रहा हूँ इधर से। 700 रुपये की बेल्ट मैं कभी इंडिया में भी नहीं खरीदूंगा, ये बात नदीम को भी पता, कभी नहीं खरीदूंगा। पर तो किसके तहत? मजबूरी के तहत खरीदूंगा। 2 लाख का लक्ष्य रखा हुआ नहीं, 2 लाख का नहीं। हाँ यार, ये 5 लाख वाला खुलवा लें, खुला करवा लूँ। हाँ एक 100,000 चलने वाले बंदे हो तो भाई चलो, गांधी जी आज्ञा पालन करते हो तो हम तो कुछ ज्यादा ही करते हैं। आप पथ पे चलना जानते हो तो पैदल ही पूरा हो चुकिंग और रहते हो। डिस्क्रिप्ट 1 जो है ना, डिस्क्रिप्ट 1 ज़्यादा बड़ा नहीं है। कितना बड़ा होगा? जितना हमारा कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस मंडी हाउस का एरिया पूरा कवर मान लेता हूँ। इतना बड़ा है, अगर पैदल चल सकते हो तो भाई चल लो, बढ़िया बात है। बहुत स्कूटी परचेज मतलब किराया भी लेने की जरूरत नहीं है, टैक्सी करने की जरूरत, पैसे बच जाएंगे यार, और क्या ही बात है। सारी चीज़ें जो है 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर में। हाँ टोटली टोटली 2 से 2.5 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो भाई एक आईफोन का ये ऑथराइज्ड वो है रीसेलर स्टोर है, यहाँ पे आए देख डिमांड आती है। हाँ, आईफोन क्या रेट मिलता है उसके लिए मैं छोटी सी रील्स बना दूंगा। हाँ भाई, वियतनाम में आईफोन क्या प्राइस मिलता है, आईफोन का ऑथराइज्ड ऑफ वो है रीसेलर स्टोर है, यहाँ देखते हैं कि आईफोन इंडियन करेंसी के हिसाब से क्या प्राइस मिलता है। सो ये मैकबुक्स पीसी एंड देयर इज आर आईफोन 14 प्लस के हिसाब से क्या रेट पड़ता है, आईफोन 14 प्रो मैक्स का पड़ेगा आपको, ये पड़ेगा 120,580 रुपये का आईफोन 14 प्रो मैक्स पड़ेगा आपको, 120,000 रुपये का और भाई ये ऊपर का उसके लिए खाता प्रो मैक्स का। हाँ प्रो मैक्स पड़ेगा आपको 120,000 का और 14 प्रो पड़ेगा आपको 39,900 110,000 रुपये का, 100,000 हाँ 120,000 रुपये का प्रो मैक्स और 110,000 रुपये का आईफोन 14 प्रो, थोड़ा बहुत फ़र्क है, 10-20,000 रुपये का फ़र्क है इंडिया से। एंड मुझे जो था मेन एयरपोर्ट्स का था, एयरपोर्ट वायरलेस चार्जिंग वाले नहीं है, सेकंड जनरेशन है बट वायरलेस चार्जिंग वाले नहीं है जो कि नदीम भाई और मैं यूज़ करते हैं। तो अगर एयरपोर्ट्स की नॉर्मल की बात करें तो प्राइस फॉर एयरपोर्ट्स टू थर्ड जनरेशन एंड सेकंड, व्हाट वाज द प्राइस फॉर दिस 6,490,000। हाँ तो यहाँ पे पड़ेंगे भाई 22,832 रुपये के, इंडिया में आपको एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन 18,000 रुपये मिल जाएंगे हमारे करोल बाग में, एक साल की वारंटी के साथ एप्पल की, और ये लोग दे रहे हैं ऑथराइज स्टोर वाले 22,832 रुपये के, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ ऑलमोस्ट सेम प्राइस मान लो, थोड़ा बहुत कम पड़नी चाहिए। थैंक यू, हमसे ले लो भाई, कितने लेने हैं बताओ, करोल बाग का डीलर मिलवाता हूँ मैं, वो तुम्हें इसे सस्ते प्राइस में दे देगा। तो भाई कोई वर्थ नहीं है वियतनाम से, तुम आईफोन्स वगैरह परचेज करने की सोच रहे हो, हमसे भी काफ़ी बंदों ने कहा था आईफोन्स मत लो, उससे अच्छा तुम DJI के प्रोडक्ट्स ले लो, अपने ड्रोन वगैरह GoPro वगैरह ले लो, ये बढ़िया है, इनका प्राइस सही है इंडिया से। आईफोन कोई वर्थ नहीं है लेने, कोई फ़ायदा नहीं है लेने का आईफोन का यहाँ से तुम।